करता जी, आज आपका जन्मदिन है और सवेरे से ही बधाई देने का ताता लग रहा है, क्या आप बधाई संदेश देना चाहेंगे? सही बात तो ये है कि मुझे खुद ही नहीं पता जन्मदिन मेरा है कि नहीं जी, लेकिन क्योंकि डेट के हिसाब से सरकारी डेट से बच्चे जो है पोते बेटे हिसाब लगा लेते हैं, वो व्हाट्सएप कर देते हैं, अपने जो अपने हैं शुभ चिंतक हैं अपने जो लोग हैं वो आ जाते हैं। तो आज तक जो भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें भड़ाना परिवार ने चुनाव लड़ा है, तो इस बार जो विधानसभा चुनाव है कहाँ से टिकट मतलब लड़ने का विचार बन रहा है आपका? भैया अभी तो कहीं का भी नहीं है जी, और अब लड़ते लड़ते क्या अभी लड़ते रहेंगे, अब औरों को भी नंबर मिलना चाहिए, वैसे भी थक रहे हैं अब ज़्यादा। तो बढ़ाना परिवार में कोई आने वाली पीढ़ी को चुनाव लड़ेगी क्या? उनमें से जो काबिल होगा वो लड़ लेगा, मेरे लिए तो सारे ही बच्चे हैं। तो सर तीसरा मेरा सवाल ये है कि पलवल से अभी चर्चाएं गर्म है कि आप टिकट मांग रहे हैं बीजेपी की। भैया मेरी तो किसी से बात हुई नहीं है, अब कोई डाल देता है तो उसमें क्या करता। तो आपके समर्थक हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि भाई पलवल से? समर्थक तो इलाका है, मेरे जन्म यहाँ का है, मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ, मेरी सेवा यहाँ है, तो लोगों की इच्छा तो होती है लेकिन मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है ना। तो अपने चाहने वालों का आप भावनाओं का कदर करेंगे? अगर मेरी भावनाओं की तो मैं कदर करता ही, जरूरी थोड़ा ही कि MLA बन के ही करूँ, मैं तो वैसे ही करता रहूँगा जी, उनकी भावनाओं की कदर तो मैं करता आया हूँ और करता रहूँगा। अगर कहीं से बात बनती है बीजेपी से तो आप लड़ेंगे चुनाव? मेरी तो अभी कहीं बात ही नहीं है जी, अगर बीजेपी वाले भाई मुझे टिकट देने आ जाए तो मैं लड़ लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। तो बड़कल मांगेंगे क्या, NIT मांगेंगे, कौन सी सीट मांगेंगे? तो फिर वही मांगूंगा पलवल ही, फिर पलवल से